अच्छा, मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस क्या होता है? मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस क्या होता है? जैसे मटर, अभी हमने मटर का एग्जांपल लिया था, मटर और चने का, ठीक है? जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसमें दो लेयर आपको दिखाई देते हैं, ठीक? यस मैम, यस मैम, तो यस मैम, ऐसे को, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? डाइकोटिलेडोनस प्लांट कहते हैं, और ऐसे जो बीज होते हैं उसको डाइकोटिलेडोनस सीड कहते हैं, ठीक है? यस मैम, ठीक। और यस मतलब मैम, मक्का का हम लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक ही लेयर दिखाई देता है, वो दो भागों में बंटता है क्या? वो नो मैम, नो मैम, मैम, डाइकोटिलेडोनस, ठीक है? ठीक। तो चलिए रूट प्लांट के बारे में देखते हैं। द रेडिकल दैट ग्रोस आउट ऑफ मोनोकोटिलेडोनस प्लांट लाइक वीट एंड मेज स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अ सर्टेन लेंथ एंड द टिप देन ब्रांचेस इनटू अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं उनका जो रेडिकल होता है, जब वो बड़े होते हैं तो एक टाइम के बाद में क्या होते हैं? रुक जाते हैं, ठीक है? जैसे वीट का हो गया, मेज का हो गया, ठीक? वो थोड़ी देर, थोड़ी लंबाई तक जाने के बाद में क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, ठीक है? यस टिप मैम, देन ब्रांचेस इंटू अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। और उसका जो रूट होता है, ठीक, वो फाइबर के जैसे, मतलब धागों के जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, तो हेंस दे आर कॉल्ड फाइबरस रूट। ऐसे रूट्स को क्या कहा जाता है? फाइबरस रूट कहा जाता है, ठीक है? जिसमें धागे के जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है उसको कौन सा रूट कहा जाता है? फाइबरस रूट कहते फाइबर हैं, ठीक है? फाइबर ये रूट, कोटिलेडोनस प्लांट में पाया जाता है। फाइब्रस रूट जो होता है वो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में पाया जाता है। और डाइकोटिलेडोनस प्लांट जैसे कि ग्राम, पी, है ना, इसमें जो रेडिकल वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? ग्रो करते रहते हैं ना, जो नीचे की तरफ होते हैं, मिट्टी के हाँ नीचे होते हैं, वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, ठीक? और ब्रांच के फॉर्म में क्या हो जाते हैं? बटने लगते हैं। यहाँ पर देखो, ब्रांच के फॉर्म में बटने लगे हैं, ठीक? यस मैम, यस मैम, रूट को कौन सा रूट कहा जाता है? टैप रूट, टैप टैप रूट कहा जाता रूट, टैप है। इस तरह से रूट, रूट कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। रूट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस रूट और टैप रूट, ठीक टैप है? रूट, ठीक। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी फोर। एक्टिविटी फोर में क्या कहा जा रहा है? ऑल स्टूडेंट शुड गो विथ देयर टीचर एंड एक्सकर्सन टू सम प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो। आपको ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर अलग अलग टाइप्स के आपको प्लांट दिखाई देते हैं, और उनके बारे में आप जो भी ऑब्जर्व करते हो उसको आपकी अपनी कॉपी में नोट करनी है, ठीक है? ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज केयरफुली। जब आप किसी भी प्लांट या ट्री का ऑब्जर्वेशन करेंगे, बहुत ध्यान से आपको ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है। अपरूट स्मॉल प्लांट्स एंड प्लेस देम बिटवीन द शीट ऑफ ए न्यू पेपर। छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है? उनको एक न्यूज़पेपर की शीट पर आपको रखना है। पर पॉसिबल कलेक्ट ओनली प्लांट्स दैट ग्रो वाइल्ड एंड ग्रासेस। आपको सिर्फ ऐसे प्लांट को चूज करना है जो जंगली पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे जो जंगली पौधे होते हैं उन्हीं को कलेक्ट करना है, ठीक है? ठीक। यस मैम, उस जो प्लांट आप कलेक्ट करेंगे उसको अगर आपको नाम पता नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको नाम पता रहेगा तो उसका नाम आपको लिखते जाना है, ठीक है? चलिए अब इसमें करना क्या है देखते हैं।
इस एक्टिविटी में आप लोगों को सिर्फ प्लांट को कलेक्ट करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, जो प्लांट आपने उखाड़ा है, ठीक है, जो प्लांट आपने लिया है उसके रूट्स को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसके लीफ कैसे दिखाई देते हैं और उनमें और कौन कौन सी चीजें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको दिखाई देती है ना, यस मैम, उन सब के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन ऑफ रूट, रूट का फंक्शन क्या होता है बताइए। रूट क्या करता है, मिट्टी जो होती है उसको एक जगह बांधे रखता है, ठीक है, और प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। दिस इज वन फंक्शन ऑफ द रूट्स। चलिए यहाँ पर रूट के कुछ और फंक्शन दिखाए गए हैं, एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है, जिसमें हमको क्या करना है, दो ग्लास लेना है पानी से भरा हुआ, उसमें कुछ इंक डाल देते हैं कलर करने के लिए, ठीक है। केयरफुली अपरूट अ प्लांट हैविंग अ सॉफ्ट स्टेम, आपको क्या करना है, प्लांट का जो सॉफ्ट स्टेम होता है उसको उस ग्लास में डाल देना है और उसके जो रूट होते हैं पहले उसको साफ कर लेना है, उसके बाद उसको प्लांट में डालना है, ठीक है। नाउ स्टैंड दिस प्लांट इन अ कलर्ड वाटर, आपको क्या करना है, उस प्लांट को जो कलर वाला वाटर है उसमें डाल देना है और उसको सनलाइट में रख देना है, ठीक है। कुछ घंटों के बाद में इसको ऑब्जर्व करना है तो क्या दिखाई देता है आपको बता सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर, उसमें कलर है, क्या ऑब्जर्व करते हैं मैम, जो प्लांट का स्टीम है उसमें मैम कलर है। You will see that the colored water has reached the leaves. आप क्या देखते हैं कि जो कलर वाला जो वाटर होता है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, लीव्स तक पहुंचता है, लीव्स तक पहुंच जाता है। द रूट टेक अप वाटर एंड मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। इस तरह से रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो है वाटर और जो मिनरल सॉल्ट होते हैं उनको प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना, ऊपर तक पहुंचाना, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग वाटर एंड सॉल्ट बाय रूट इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। इस तरह से रूट के द्वारा वाटर सॉल्ट और मिनरल्स को प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, एब्सॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक। रूट सिस्टम के बाद है शूट सिस्टम, ठीक है। यू हैव लर्न दैट स्टेम लीव्स फ्लावर्स फ्रूट एंड सीड टुगेदर कंस्टिट्यूट द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कौन कौन बनाता है, स्टेम फ्लावर्स फ्रूट्स और सीड, ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, शूट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, स्टेम, ठीक। अच्छा, आपने हर्ब्स श्रब्स ट्रीज और क्लाइंबर के बारे में पढ़ा था, चलिए बताइए तो हर्ब्स श्रब्स ट्रीज क्लाइंबर होते क्या है, मैम हर्ब्स जो बहुत ही स्मॉल रहते हैं प्लांट्स। हाँ, स्मॉल प्लांट को क्या कहा जाता है, हर्ब्स कहा जाता है। फिर उसके बाद श्रब्स किसको कहते हैं मैम, जिसकी मिल गया हमारे, तो फॉर एग्जांपल रोज, रोज, ठीक है, झाड़ी है ना। उसके बाद ट्रीज किसको कहते हैं मैम, जो बहुत ही बड़े होते हैं, लार्ज प्लांट्स होते हैं। क्लाइंबर मैम, जो किसी मैम जिसको किसी चीज की मदद नहीं चाहिए, लकड़ियों की मदद से वो ऊपर बढ़ते हैं। हाँ ठीक, वो क्या होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने अलग अलग टाइप्स के लीव्स के बारे में भी, लीव्स भी देखा होगा। यस मैम, यस मैम, यस मैम। So you have seen that leaves and branches arise from particular position on the stem called nodes. आपने देखा होगा कि जो पत्ती होती है और जो ब्रांचेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह से निकलते हैं, देखा है उस जगह को, जो गांठे जैसी होती है, yes, जहां से ब्रांच निकलती है, पत्तियां निकलती है, तो उस जगह को क्या कहा जाता है, नोड्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, नोड्स, और
नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है? इंटर नोड कहा जाता है. क्या कहते हैं? इंटर नोड. बैम्बू, बैम्बू का प्लांट देखा है आप लोगों ने, बांस का. यस मैम. यस मैम. उसमें नोड्स दिखाई देते हैं. यस मैम. यस मैम. थोड़े फूले हुए जॉइंट्स, सॉलिड जॉइंट्स दिखाई देते हैं, फूले हुए जॉइंट्स. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. On excursion and try to recognize the nodes and internodes different plants. चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग plants में nodes और internodes को कैसे पहचानेंगे. The stem help the plants to stand erect. अभी मैंने क्या बताया, stem का function क्या होता है? सबसे पहले stem का function क्या होता है कि जो stem होता है वो plant को सीधे खड़े रहने में help करता है. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टेम से ही क्या निकलते हैं? स्टेम से ही क्या निकलते हैं? फ्लावर एंड फ्रूट्स. फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड फ्रूट्स. ठीक मैम. लीव्स एंड फ्लावर. हाँ. एक्टिविटी फाइव में आपने क्या देखा कि जो रेड कलर का वाटर होता है वो रूट के द्वारा क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. और वो रूट को कहाँ तक पहुँचा देता है? पहुंचाता तो रूट है, लेकिन वो किससे होता हुआ जाता है? मैम स्टीम से. मैम सनलाइट की स्टीम से. स्टीम से होता हुआ जाता है. सो दस इट इज क्लियर दैट द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एब्सॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट बाय द स्टेम. कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो रूट के द्वारा क्या किया जाता है? एब्सॉर्ब किया जाता है. लेकिन उसको पहुंचाया किसके द्वारा जाता है? मैम स्टीम. स्टेम के द्वारा पहुंचाया जाता है. ठीक है? स्टेम के द्वारा पार्ट्स प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है. इसके अलावा जो स्टेम होता है वो और क्या काम करता है? द स्टेम आल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. पत्तियों में जो फूड बनाया जाता है, प्लांट अपना फूड खुद तैयार करते हैं ना. यस मैम. पत्तियों में बनते हैं, तो पत्तियों में जो फूड बनते हैं ठीक, उसको जो स्टेम होता है उसे प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाता है. इस तरह से स्टेम के अलग अलग फंक्शन होते हैं, है ना? समझ आया सभी को? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. हाँ. फिर नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीव्स. चलिए देखते हैं. The leaf is an important part of the plant. जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि leaf जो है plant का important part है. और ज्यादातर ये कौन से कलर में होता है? Green color में होता है. Green color में होता है. Green pigment के वजह से, जिसको क्या कहा जाता है? Chlorophyll कहा जाता है. ठीक है? किसके वजह से होता है green color? Chlorophyll. वजह से होता है. और लीव्स क्या करता है? फूड सिंथेसाइज का काम करता है, फूड बनाने का काम करता है. किसके हेल्प से? क्लोरोफिल के हेल्प से. प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड वाटर सनलाइट
एप्लिकेट खुद बनाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के हेल्प से, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। इसके बाद एक्टिविटी 7 देखते हैं। अब हम लीफ के बारे में तो पढ़ लिया, प्लेस अ लीफ बिटवीन टू शीट्स ऑफ योर नोटबुक विद द रफ सरफेस ऑन टॉप। अब देखिए, दो लीफ आपको लेने हैं, उसको आपको अपनी कॉपी का कोई भी पेज में रखना है, एक पेज लेकर उसमें रब करना है, घिसना है, ठीक है। अब उसको अच्छा, जो लीफ आपने लिया है उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, सॉरी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा। पता चलता है लीव्स के अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? फ्लावर, ठीक है। यू वुड हैव सीन मेनी फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अपने अलग अलग टाइप्स के फ्लावर देखा है, ठीक है। क्या सभी फ्लावर एक जैसे होते हैं? नो मैम, नो मैम, सभी फ्लावर अलग अलग होते हैं। यस मैम, यस मैम, तो यहाँ पर सेट में फ्लावर के बारे में, टेक फ्लावर, कोई भी आपको फ्लावर लेना है, धतूरा का ले सकते हैं, हिबिस्कस का ले सकते हैं, उसमें आपको फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। द आउटर मोस्ट ग्रीन वॉल इज कॉल्ड द कैलिक्स। यहाँ पर देखो, सबसे बाहर का जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसको क्या कहा जाता है? कैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। जो क्या करता है, फ्लावर को खिलने से पहले प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। द कलर्ड होल्स इन इनसाइड द कैलिक्स इज कॉल्ड द कोरोला। कैलिक्स के अंदर में क्या होता है? कैलिक्स के अंदर में क्या होता है? कोरोला, ठीक है, कोरोला है, वो इंसेक्ट या फिर बटरफ्लाईज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक, अपनी तरफ खींचता है। सेपरेट द होल स्केलपुरी, जब हम इसको धीरे धीरे ओपन कर बोलते हैं तो उसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देते हैं। सराउंडिंग द सेंट्रल पोर्शन यू विल सी सेवरल स्ट्रक्चर विद सॉलिंग टिप्स। यहाँ पर ये जो फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है उसमें आपको कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे स्टैमेन कहा जाता है। ये देखो, इस तरह से दिख रहा है स्टैमेन। यस मैम, क्या प्रेजेंट होता है? स्वेलिंग टिप जो होता है, ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भरे होते हैं, रेत के जो जैसे दाने होते हैं उसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। द स्टेमन आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन क्या है? फ्लावर का मेल पार्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, ठीक। ऑन रिमूविंग द स्टेमन द वेज लाइक स्ट्रक्चर सीन इन द मिडल इज द पिस्टिल। जब हम स्टेमन को ओपन करते हैं तो उसमें नीचे एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे क्या कहा जाता है? पिस्टिल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिस्टिल। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। पिस्टिल क्या है? फ्लावर का, ठीक है। पोर्शन ऑफ दिस पिस्टिल इज ओवरी। यहाँ पर सबसे नीचे में एक फूला हुआ पार्ट है, सबसे नीचे में यहाँ पर, ठीक है, अंदर के साइड में एक फूला हुआ पार्ट होता है जिसे ओवरी कहा जाता है। यहाँ पर देखो, दिख रहा है, ये फ्लावर को ओपन करके दिखाया गया है, यहाँ पर फ्लावर को ओपन करके दिखाया गया जिसमें ओवरी क्लियरली दिख रहा है। ओवरी इज द स्टाइल, क्या होता है? स्टाइल होता है, और उसके ऊपर में क्या होता है? स्टिग्मा होता है, ठीक है। यही जो ओवरी होता है इसमें चेंज होता है, चेंज होता है। जब आप फ्लावर को कट करते हैं तो उसमें आपको ये अलग अलग पार्ट आसानी से दिखाई देते हैं। सच फ्लावर विच हैव बोथ स्टैमेन एंड पिस्टिल इन देम आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए, ऐसे फ्लावर जिसमें स्टैमेन और पिस्टिल दोनों होता है, मतलब जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। हैव आइदर पिस्टिल और स्टैमेन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल
स्टेम फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिसमें या तो पिस्टिल होता है या तो स्टेमेन होता है, कोई एक होता है, तो ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए यहाँ यही तक आज हम पढ़ते हैं, आगे का कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम।